10 मिनट में 50 खबरें। लगातार हो रही बारिश के बाद मुंबई वालों की मुश्किलें बढ़ी। जगह जगह जलभराव, ट्रैफिक के साथ साथ लोकल ट्रेन भी प्रभावित। लगातार बारिश के बाद सीएसटी कुर्ला मेन लाइन और हार्बर लाइन भी ठप। बीएमसी ने स्कूलों को बंद रखने की जारी की एडवाइजरी। आज होने वाली मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी टली। लोगों को घर पे रहने की सलाह। बांद्रा और बॉम्बे सेंट्रल के अलावा माटुंगा और दादर रेलवे ट्रैक भी प्रभावित। मुंबई वेस्टर्न लाइन पर 15 से 20 मिनट देर से चल रही है लोकल। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर रोके गए लोकल के ऑपरेशन। बांद्रा स्टेशन पर पानी में डूबा रेलवे ट्रैक। मुंबई के परेल समेत कई निचले इलाकों में जलभराव के बाद बाढ़ जैसी तस्वीरें आई सामने। सड़कों पर कई फीट गहरा पानी। 2:30 बजे हाई टाइड आने की उम्मीद। 4.5 मीटर तक उठ सकती है लहरें। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे का आनंदपुर साहब का दौरा रद्द। तबीयत खराब होने को दिया हवाला। ललित मोदी विवादों में घिरे होने के बाद पहली बार राजनाथ और अमित शाह से होने की मुलाकात। आज खत्म होगा आनंदपुर साहब के 350वें स्थापना दिवस का 3 दिवसीय समागम। राजस्थान की सीएम को भी मिला था स्थापना दिवस का न्योता। ललित मोदी विवाद में फंसी सुषमा और राजे के मसले पर पीएम से पार्टी अध्यक्ष ने की बातचीत। गुरुवार शाम पीएम आवास पर पहुंचे अमित शाह। पूरे मामले पर अमित शाह ने दी पीएम को ब्रीफिंग। वसुंधरा के बेटे और झालावाड़ से सांसद दुष्यंत ने दी मामले पर सफाई। प्रेस रिलीज जारी कर कहा ललित मोदी से कारोबारी रिश्तों में कुछ भी गैरकानूनी नहीं। रिलीज में लिखा भारत आने के बाद दूंगा मामले की पूरी सफाई। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी का बयान दुष्यंत और ललित की कंपनियों में लेन देन। अभी तक 2 निजी कंपनियों की लेन देन। दुष्यंत के भारत लौटने के बाद होगी तस्वीर साफ। ललित मोदी ने सोशल साइट इंस्टाग्राम पर पोस्ट की इंटरपोल की चिट्ठी। चिट्ठी में इंटरपोल ने किया ललित मोदी के खिलाफ किसी नोटिस से इनकार। 24 अगस्त साल 2013 को इंटरपोल ने लिखी थी ललित मोदी की चिट्ठी के जवाब में जारी की थी चिट्ठी। ईडी आरोपी ललित मोदी पर कस सकता है शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक रेड कॉर्नर नोटिस हो सकता है जारी। केंद्र सरकार ने ईडी को कार्रवाई का दिया आदेश। खुद को वांटेड और अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा कहने वाले मीडिया कर्मियों पर भी भड़के ललित मोदी। मीडिया को लिखे अपशब्द, कानूनी कार्रवाई की दी धमकी। चिदंबरम पर साधा निशाना, बदले की कार्रवाई का लगाया आरोप। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का 46वां जन्मदिन आज। 12 तुगलक रोड पर कांग्रेसी कार्यकर्ता मनाएंगे जन्मदिन। 10 साल में पहली बार भारत में मनाएंगे सालगिरह। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। जम्मू कश्मीर में आज हुर्रियत नेताओं का सोपोर चलो मार्च। आम नागरिकों की संदिग्ध मौत पर बुलाया गया मार्च। बड़े नेताओं को सरकार ने किया नजरबंद। सुब्रत रॉय सहारा की जमानत याचिका पर फैसला लेगी सुप्रीम कोर्ट। सहारा ने कोर्ट में पेश किया दावा निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए 5,000 करोड़ नकद और 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी का हुआ इंतजाम। मुंबई के मलाड में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत। कई लोग अस्पताल में भर्ती। हादसे के बाद फौरन हरकत में आई सरकार। सीएम ने क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच। आईपीसी की धारा 304, 328 और 34 के तहत मामला दर्ज। राजू लंगड़ा नाम का आरोपी गिरफ्तार। कई लोग हिरासत में। सीएम ने 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने का दिया आदेश। किस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी पूरी। राजपथ पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए 35,000 लोग जुटे। 35 मिनट तक योग के 15 आसनों की हुई प्रैक्टिस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 5,000 बच्चे भी करेंगे योग। फुल ड्रेस रिहर्सल में हुए शामिल। तैयारियों के मद्देनजर राजपथ तक जाने वाले तमाम रास्ते आम लोगों के लिए बंद। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 21 जून तक राजपथ से सटे रास्तों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पहरा। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की आज साकेत कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है तोमर की रिमांड।
दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों के गोरख धंधे का खुलासा, मुख्य आरोपी समेत दो लोग गिरफ्तार। डीएम की अगुवाई में सिदुल्लाजा इलाके में घर में हुई छापेमारी, महरौली थाने में दर्ज हुआ मामला। जाली जन्म प्रमाण पत्र, एससी एससी सर्टिफिकेट और इनकम टैक्स से जुड़े दस्तावेज भी हुए बरामद। लंबे समय से फर्जी दस्तावेजों के धंधे में लगे थे आरोपी। यूपी में राज्य मंत्री इकबाल को बाराबंकी पुलिस ने किया गिरफ्तार। टोल प्लाजा पर मारपीट और फायरिंग का आरोप, इकबाल के दो साथी अभी फरार, दो अन्य आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल। घटना में इस्तेमाल रेंज रोवर गाड़ी भी हो सकती है, हो चुकी है जब्त। गुवाहाटी में बीजेपी के दो दिवसीय सम्मेलन में पहुंचे तमाम सांसद और विधायक। राम माधव ने कहा, कांग्रेस मुक्त भारत के मिशन में गुवाहाटी भी करे सहयोग। शिवसेना की स्थापना को आज 50 साल हुए पूरे, मुंबई में मनाया जाएगा शिवसेना का स्थापना दिवस। दलाई लामा के 80वें जन्मदिन को मनाने के लिए धर्मशाला में सामाजिक संगठन की अनूठी पहल, लोगों को दिलाई अहिंसा की शपथ। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 की डीडीएम मार्केट में दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का माल चलकर हुआ खाक, करीब 4 दुकानों में फैली आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। यूपी के फतेहपुर में पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मी की पिटाई, पंप मालिक और एसपी नेता अमरदीप सिंह और पप्पू सिंह पर मारपीट का आरोप। पेट्रोल पंप पर मिलावट की शिकायत मिलने पर पहुंचा था सब इंस्पेक्टर, सत्ता का रौब दिखाकर की नेताजी की ने पिटाई। चैम्बर में जैसे ही बैठे हम लोग, तो इसके पीछे साला आया और आते ही इसने गाली गलौज शुरू कर दिया, तुरंत ये तहस में आके मेरा कॉलर पकड़ा, उस पर मेरे साथ मारपीट। इंडियन ऑयल ने तेल का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा, एसपी नेता ने पुलिस वाले पर लगाया लूट की कोशिश का आरोप। एसपी नेता की दबंगई के आगे तमाशबीन बनी रही पुलिस, न मारपीट का मामला हुआ दर्ज, न ही हुई गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, 20 किलो सोने के बिस्किट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सासाराम में पुलिस को बड़ी कामयाबी, कुख्यात नक्सली लक्ष्मी खरवार हुआ गिरफ्तार, नक्सली के सिर पर था 50,000 का इनाम। कर्नाटक के यादगीर में बार में शराब पीकर युवकों का हंगामा, सिगरेट पीने पर हुए विवाद के बाद स्टाफ से मारपीट, बार स्टाफ से बार में स्मोकिंग पर रोकने से भड़के थे युवक। यूपी के बिजनौर में गांव वालों ने तेंदुए को उतारा मौत के घाट, आदमखोर तेंदुए ने खेत में काम कर रहे किसानों पर किया था हमला। साइबर क्राइम से निपटने की तैयारी में जुटी दिल्ली पुलिस, बैंक के साइबर एक्सपर्ट्स के साथ पुलिस अधिकारियों ने शुरू किया ट्रेनिंग प्रोग्राम। बांग्लादेश के मीरपुर में भारत की 79 रन से शर्मनाकार, भारत की पूरी टीम 228 पर हुई ढेर, टीम इंडिया को मिला था जीत के लिए 308 रनों का लक्ष्य। 5 विकेट लेने वाले मुस्तफिजुर रहमान बने मैन ऑफ द मैच। बांग्लादेश के सामने ढेर हुए भारतीय धुरंधर, कोहली 1, रहाणे 9, धोनी 5 रन बनाकर लौटे, रोहित शर्मा ने 63 रन, रैना ने बनाए 40 रन। बांग्लादेश ने जीता था टॉस, टॉस जीतकर बांग्लादेश ने की थी पहले बल्लेबाजी, बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने की थी ताबड़तोड़ शुरुआत, पहले विकेट के लिए जोड़े 102 रन अश्विन ने, 51 रन देकर झटके 3 विकेट। कराची में पाकिस्तान ने 113 मछुआरों को, भारतीय मछुआरों को किया रिहा, रमजान पर पीएम मोदी के शरीफ से बातचीत के बाद हुई रिहाई। अमेरिका में चर्च पर हुए हमले का दोषी संदिग्ध गिरफ्तार, चार्ल्सटन चर्च पर हमले में हुई थी 9 लोगों की मौत, ओबामा ने जताया था घटना पर गुस्सा, घटना में मारे गए 9 लोगों में से 1 राष्ट्रपति का दोस्त भी शामिल है।